अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, पिछले क्लास हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, चैप्टर रेस्ट एंड मोशन। एसी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ ए कार स्टार्टेड एट टी बराबर 0। कार एक गाड़ी है जो चल रहा है एक्सीलरेशन से टी बराबर 0 पर स्टार्ट हुआ चलना, वेरी विथ टाइम एज शोन इन फिगर। टी बराबर 0 पर एक्सीलरेशन मतलब देना शुरू किया, लेकिन एक्सीलरेशन जो है ना समय के साथ साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। वेरी विथ टाइम एज शोन इन फिगर, फिगर भी दिया हुआ है 3E2, फिगर यह है, इधर लिखा हुआ है टाइम जो कि सेकेंड में, और इधर लिखा हुआ है एक्सीलरेशन जो कि फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, और एक्सीलरेशन कुछ ऐसा है ग्राफ। ये जो सामने है ना -5 लिखा हुआ है, और ये सामने लिखा हुआ है +5। ये एक्सीलरेशन का ग्राफ है टाइम के साथ। मैंने क्या समझा कि 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक एक्सीलरेशन कितना है 5, 10 से लेकर 20 सेकेंड तक एक्सीलरेशन कितना है बोले 0, और 20 से लेकर 30 सेकेंड तक एक्सीलरेशन कितना है बोले -5। और उसके बाद पता चलता है ना कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी इंक्रीजेज, एक्सीलरेशन नेगेटिव तो वेलोसिटी डिक्रीजेज। एक्सीलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीजेज, यहाँ से यहाँ तक कहानी वेलोसिटी इंक्रीजेज वाला है, और ये 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक वेलोसिटी डिक्रीजेज वाला कहानी है। एक्सीलरेशन क्या है नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज, और एक्सीलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ। डिस्टेंस ट्रेवल बताना हमको 30 सेकेंड में, एंड ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ, और पोजिशन टाइम ग्राफ भी। पहले तो क्या कर रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालिए 30 सेकेंड में, एंड ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ खींचिए, और ये बताइए कि 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला बात है ना, हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कहानी क्या कहता है, 10 सेकेंड चला कितना एक्सीलरेशन से 5 से, चला ना 10 सेकेंड कितना चला 5 से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब समझिए बोले एस बराबर यू टी, टी का मान 10, और प्लस हाफ ए का मान 5, और टी स्क्वायर। तो 100 × 2 250 मीटर ही हुआ। क्लियर, कितना चला ये 250 मीटर। नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिएगा कहानी क्या है, इसको हम लोग लिख रहे हैं, ग्राफ को देख के समझ के लिख रहे हैं क्या हो रहा है। एक पार्ट के चला कितना सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक, कितना एक्सीलरेशन से बोले +5। तो मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ था, तो 10 सेकेंड चला ही 5 के एक्सीलरेशन से, तो अब वेलोसिटी कितना हो गया होगा, वी बराबर यू अब प्लस ए का मान 5 और टी का मान 10, बोले कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड, सब फीट में चल रहा है ना, फीट पर सेकेंड भी हो गया ये। अब फिर 10 से लेके 20 सेकेंड तक एक्सीलरेशन क्या है, 0, एक्सीलरेशन 0 है, माने वेलोसिटी कांस्टेंट है, माने 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक, माने फिर कितना चला बीच में 10 सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से, माने 50 से, देखो एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ऐसे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है एक्सीलरेशन, तो इस स्लोप क्या है 0, तो एक्सीलरेशन क्या होगा 0 होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन 0, बोले एक्सीलरेशन 0 बोले वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर, तो एक्सीलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक। तो मैंने वेलोसिटी 50 से चला 10 सेकंड तक, अब फिर क्या हुआ कि 50 से हम स्पीड हुआ 50 से, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल ही रहा है, तो 50 से फिर पर सेकेंड यहाँ हुआ। लेकिन फिर अगला 10 सेकेंड में मैंने 20 से 30 होते होते ये एक्सीलरेशन कितना अभी -5, और फिर इसको रुकना ही रुकना, ऐसा कितना हो गया -5, यहाँ कितना था एक्सीलरेशन +5,
ऐसे कितना हो गया माइनस पांच। आप फिर धीरे धीरे माइनस पांच का मतलब समझ में आ रहा है, एस एस एन एटी मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज, एस एन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज। इंक्रीज हुआ ना जीरो से पचास, यहाँ पचास से हुआ जीरो, अब बीच में चला एस एस एन जीरो, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, मैंने पचास से कॉन्स्टेंट चला। अब देख लीजिए कितना चला ये, तो पचास अगुने दस, पाँच सौ फीट बीच में चला। इधर कितना चला, इधर निकाल लीजिए यू टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए का मान प्लस पाँच और टी स्क्वायर का मान दस स्क्वायर, तो कितना हो गया ये अढ़ाई सौ फीट। अच्छा इधर चलिए एस बराबर यू टी मैंने पचास गुने टी यू टी और प्लस हाफ आइए का मान बोले माइनस पाँच और टी स्क्वायर ये भी दस सेकेंड है, तो 500 और माइनस ढाई सौ ये भी अढ़ाई सौ फीट, तो 500 फीट ही अढ़ाई सौ फीट ही अढ़ाई सौ फीट ही कितना हो गया हजार फीट हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर आ गया आपका हजार फीट। ये निकालना है डिस्टेंस टेबल कि कितना डिस्टेंस टेबल किया, तो ये जो क्वेश्चन ग्राफिकल था इसको बदल दिए थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बदल दिए, ग्राफिकल था ग्राफ से भी सॉल्व कर देंगे, ग्राफ से भी सॉल्व करेंगे अभी, क्योंकि ग्राफ में बोल रहा है ना कि पोजीशन टाइम ग्राफ खींचिए, तो इसको जब पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने से नहीं गए तो पोजीशन टाइम ग्राफ खींचते खींचते इसके आंसर ला के दिखाएंगे ग्राफ से भी। प्लीज समझ लीजिए जो थ्योरी जो फिगर कर रहा है जो ग्राफ कर रहा है ना उसको हमने लिखा, क्या करा ग्राफ कि 10 सेकंड तक चला प्लस 5 एक्सीलरेशन से, बोले 10 सेकंड तक चला प्लस 5 एक्सीलरेशन से, फिर 10 सेकंड चला जीरो एक्सीलरेशन से, 10 सेकंड चला जीरो एक्सीलरेशन से, लिखे नहीं कि एक्सीलरेशन जीरो है, और फिर 10 सेकंड चला देख लो यहां माइनस 5 एक्सीलरेशन से, तो जब चलाई प्लस 5 एक्सीलरेशन से और बात पता है ना कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी इंक्रीजेज, इसका मतलब अगर जीरो था वेलोसिटी बढ़ा होगा, कितना हो गया निकाले v बराबर u प्लस 80 यहाँ गया 50, मैंने जो जीरो चाल था 10 सेकंड के बाद 50 हो गया, और चूंकि 10 सेकंड फिर अगला चला कॉन्स्टेंट जीरो एक्सीलरेशन से मैंने कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो 50 से चलते रहा 10 सेकंड और फिर 50 होना है उसको जीरो, क्योंकि इधर एक्सीलरेशन का मान कितना है माइनस पाँच, तो एक्सीलरेशन निगेटिव वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो समझ में आ गया कहानी, ये कहानी क्या है, कहानी क्या है, कहानी क्या है, इधर का ऐसा अलग निकाली, ये बीच में ऐसा अलग निकाली, ये बीच में ऐसा अलग निकाली, निकल गया टोटल डिस्प्लेसमेंट हजार फीट। हुआ कि हम लोग जो फिगर था उसको एक क्वेश्चन के रूप में बदल लिए, लैंग्वेज के रूप में बदल लिए और इसको सॉल्व कर लिए, हजार फीट आ गया। अब देखिए इसको ग्राफ के मेथड से, क्यों ग्राफ के मेथड सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो लास्ट में निकालने बोल रहा है ने कि पोजीशन टाइम ग्राफ बदलो, तो पोजीशन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो चलिए हम इसको बदलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, इसको मिटाते हैं हम, समझिएगा ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, पहले तो हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से लाने जा रहे हैं बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एटी से क्या खींचेंगे वीटी। अब बताओ एक्सीलरेशन यहाँ क्या है कांस्टेंट, एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट, कौन सी में बोले पॉजिटिव में, इसका मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप यहाँ तक ई है, यहाँ तक ईला पार्ट है, यहाँ तक ईला पार्ट है, समझने के लिए इधर सेकेंड हुआ बीस सेकेंड हुआ इक्कीस सेकेंड हुआ, तो 10 सेकेंड तक में क्या है बोले एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो मैंने वीटी ग्राफ का स्लोप का कांस्टेंट होगा, देख लो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है बोले कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट पॉजिटिव में है क्योंकि थीटा का मान जीरो से बड़ा 90 से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं, तो इसका स्लोप क्या बताएगा एक्सीलरेशन, देखो स्लोप कांस्टेंट है पॉजिटिव में, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है पॉजिटिव में, इसका स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन, डायरेक्ट बताएगा एक्सीलरेशन, तो यहाँ जो है नहीं कितना दिखाएगा 50, क्योंकि देखो वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद कितना हो गया था 50, अभी दिखाए थे करके नहीं मैंने पता है कि 50 कैसे हुआ, तो ऐसे सोचो कि एक्सीलरेशन कितना है बोले 5, तो स्लोप कितना आना चाहिए 5, स्लोप मतलब बोले टेन थीटा, टेन थीटा कितना चाहिए 5, अब तुम्हें बताओ कि टेन थीटा 5 कैसे आएगा, चूंकि बेस 10 है बेस 10, तो परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए 50, तो परपेंडिकुलर 50 होगा तब ना 50 बटे 10 बराबर 5, टेन थीटा बराबर 50 बटे 10 बराबर 5, इसमें 5 है ना, इसे भी समझ लो कि यहाँ 50 होगा वेलोसिटी, मैंने ग्राफी है। अच्छा यहाँ एक्सीलरेशन क्या है बोले जीरो, तो यहाँ कौन यहाँ मैंने स्लोप एक्सीलरेशन कहता है जीरो, मैंने यहाँ स्लोप जीरो होना चाहिए, तो भैया स्लोप जीरो हुआ नहीं,
इसका स्लोप कितना है? स्लोप जीरो है, इसका स्लोप जीरो है, इसका स्लोप पॉजिटिव में कांस्टेंट है। यहाँ ये सिचुएशन क्या है? निगेटिव में कांस्टेंट है, माने इसका जो स्लोप है निगेटिव में कांस्टेंट है। या देखिए आप इधर से देखिए गौर से, तो क्या है? निगेटिव में कांस्टेंट है ना, स्लोप निगेटिव में कांस्टेंट है कि नहीं? निगेटिव में कांस्टेंट है, पॉजिटिव में कांस्टेंट है। ये ग्राफ क्या खींचा गया हम लोग का? बोले वीटी ग्राफ खींचा गया। क्या खींचा गया ग्राफ हम लोग का? ये बोले वीटी ग्राफ खींचा गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कि वीटी ग्राफ का एरिया, आपको पता है ना कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि अगर पार्टिकल सीधे अभी जा ही रहा है, लौटा नहीं है, सीधे जा ही रहा है, कहीं वेलोसिटी नेगेटिव लग रहा है, सब वेलोसिटी पॉजिटिव लग रहा है, लाइन के ऊपर है ना, जीरो के ऊपर है ना समूचे ग्राफ, मतलब वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब बोले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। जिस तरह से बोले ना एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज, उसी तरह से वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, मतलब डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, लौटने का कोई चांस है ही नहीं, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस बोले चाहे डिस्टेंस बोले इस कहानी में तो सेम है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में है सब। हाँ एक बात अलग है कि पहले वेलोसिटी बढ़ा, फिर कुछ समय तक एक समान वेलोसिटी से चला, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी का मान घटना शुरू हुआ, उसका मैग्नीट्यूड घटना शुरू हुआ, लेकिन मुड़ा ही नहीं, सिर्फ जा ही रहा है। वेलोसिटी का पॉजिटिव होना ये बात बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज है, जा रहा है पार्ट। तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या बता देता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बता देगा। तो इसका निकाल दिया क्षेत्रफल, हो गया समलंब चतुर्भुज एक तरह से। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग। ये भुजा कितना है? बोले 30। ये भुजा कितना है? बोले 10। तो 30 और 10 40 समानांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? बोले 50। तो हो गया 2 और 40 20 20 गुने 50 बराबर 1000 फीट। आगे ग्राफ मेथड से डिस्प्लेसमेंट आपका या डिस्टेंस जो बोल दीजिए यहाँ, क्योंकि पहाड़ के सीधे रेखा पर से जा रहा है, आने का तो कहीं सवाल ही नहीं है। चलिए ये तो वीटी ग्राफ से निकालिए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब कर रहा है कि एसटी ग्राफ खींचिए पोजीशन टाइम ग्राफ। जरा खींचते हैं एसटी ग्राफ कैसा होगा। क्या खींचेंगे हम लोग? एसटी ग्राफ। चलो इसका स्लोप ई बताया, मैंने जो यहां कर रहा है वो इसका स्लोप कर रहा है। अब ई जो यहां कहेगा वो इसका स्लोप कहेगा। देखो क्या कहता है अब एसटी ग्राफ कि यहां मान लो कि 10, यहां मान लो 20 और यहां मान लो 30। ठीक, अब समझिएगा ई क्या कर रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसका स्लोप क्या बताया? इसी तरह से अब इसका स्लोप बताएगा वेलोसिटी। तो इसका स्लोप क्या करें? यहां वेलोसिटी देखो, यहां बोले थे ना एसेशन कांस्टेंट, बोले स्लोप कांस्टेंट पॉजिटिव में। एसेशन जीरो, बोले स्लोप जीरो। एसेशन नेगेटिव, बोले स्लोप नेगेटिव। अब बोले यहां वेलोसिटी इंक्रीजेज जीरो टू पॉजिटिव, मैंने स्लोप इंक्रीजेज होना चाहिए जीरो टू पॉजिटिव। या पढ़ लिया ग्राफ में इसमें क्या रहा? बोले स्लोप इंक्रीजेज जीरो टू पॉजिटिव। ये जो ग्राफ है स्लोप इंक्रीजेज क्या है? जीरो टू पॉजिटिव। ये कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, मैंने स्लोप कांस्टेंट। ऐसे जगह ग्राफ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ग्राफ। या इस ग्राफ को हम यहाँ दिखा दें थोड़ा, एस टी ग्राफ, यहाँ टी और यहाँ एस शॉर्ट में, यहाँ 10, यहाँ बोले 20, यहाँ बोले 30। तो 0 से 10 तक का क्या कहानी है भाई? 0 से 10 तक बोल रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, जीरो टू पॉजिटिव, जीरो टू पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है वेलोसिटी। यहाँ भी स्लोप बढ़ेगा जीरो टू पॉजिटिव, देखिए बढ़ रहा है स्लोप, स्लोप बढ़ रहा है जीरो टू पॉजिटिव। कर भाई ऐसे जीरो टू पॉजिटिव बढ़ रहा है स्लोप। अच्छा यहाँ वेलोसिटी क्या है? बोले कांस्टेंट। यहाँ स्लोप क्या होगा? बोले कांस्टेंट। देखिए कलो कांस्टेंट स्लोप है, स्लोप क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? बढ़ा। यहाँ क्या हुआ स्लोप? कांस्टेंट। ऐसे जाएगा ग्राफ, स्लोप कांस्टेंट, सीधा रेखा है ये, लेकिन थोड़ा सा कर्व है इसे। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि वेलोसिटी घट रहा है पॉजिटिव से जीरो, पॉजिटिव से जीरो। ई ग्राफ ऐसे होगा, वेलोसिटी घट रहा है पॉजिटिव से जीरो, ई ग्राफ ऐसा है, ऐसा ऐसा वाला ग्राफ में पता देना, ऐसा वाला ग्राफ में क्या होता था? बोलते थे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ जीरो, मैं √3 1 1/√3 जीरो, पॉजिटिव से जीरो होता था कि नहीं? तो ग्राफ यहाँ तक जाएगा ऐसे।
एक ग्राफ ही हुआ ऐसे, ये हुआ सीधा वाला ग्राफ और ये हुआ ई वाला ग्राफ। जब ग्राफ पढ़ा रहे थे ना सात को ग्राफ, तो ये देखिएगा छठवां नंबर ग्राफ होगा, छठवां नंबर ग्राफ में ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग, और सातवां नंबर में पढ़ते थे ई वाला ग्राफ। ये सातवां नंबर ग्राफ था, ये छठवां नंबर ग्राफ था ऐसे वाला, और ऐसे है ही मेन से ही ऐसे है, तो हम लोग पढ़े थे ई वाला ग्राफ। वास्तव में ई क्या था, ई था जीरो टू निगेटिव, यहाँ हमारा है पॉजिटिव टू जीरो, वैसे क्या होना चाहिए पॉजिटिव टू जीरो, तो ये पॉजिटिव टू जीरो। अब बनाए होंगे जब ग्राफ सातवां नंबर वाला ग्राफ, तो ऐसे बनाए थे, ऐसे करवाए थे कि पॉजिटिव टू जीरो, जीरो टू निगेटिव, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव टू जीरो, तो यहीं तक लेंगे ग्राफ, वही वाला ग्राफ खींचे। ये ग्राफ क्या है हम लोग का, एस टी ग्राफ है, पोजिशन टाइम ग्राफ, ये खींचना था, जिसका आंसर थोड़ा देगा वो तो ग्राफ है, तो ग्राफ तो पहले खींचा हुआ एस टी ग्राफ होगी। तो ग्राफिकल मेथड से भी आपको बना के दिखाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी था निकाल के दिखाया गया, और एसटी ग्राफ खींच के भी देख, इसका स्लोप वेलोसिटी बताता है, इसका स्लोप ई बताता है, थोड़ा उल्टा खींच रहा था, दिमाग लगाना था कि यहाँ ए बोल रहा है कांस्टेंट, माने स्लोप होना चाहिए कांस्टेंट, यहाँ बोला वेलोसिटी बढ़ रहा है, माने यहाँ स्लोप बढ़ना चाहिए, थोड़ा स्पेस नहीं था नीचे, इसलिए यहाँ करके दिखाया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेवन। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर एट में। फिगर सोच, फिगर के बारे में बात हो रहा है, एक तरफ वेलोसिटी लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड में, और एक तरफ टाइम, सेकेंड। क्वेश्चन क्या क्या है भाई, फिगर शो द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो ठीक है ग्राफ है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, फॉर ए पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल कोई जा रहा है किधर, बोले एक्स एक्सिस पर कोई पार्टिकल जा रहा है, किस तरीका से जा रहा है इधर, उसका ग्राफ है कि जब स्टार्टिंग में था तो उसका वेलोसिटी कितना था, दो, टी बराबर जीरो पर, यानी टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी कितना था, बोले दो था टी बराबर जीरो पर, और 10 सेकेंड होते तो वेलोसिटी कितना हो गया, टी बराबर 10 होते तो वेलोसिटी हो गया इसका 8। अगर लैंग्वेज में देखें तो सवाल ऐसे है, टी बराबर जो वेलोसिटी कितना है, दो, और टी बराबर 10 वेलोसिटी कितना है, बोले 8। ऐसे जा रहा था पार्टिकल एक्स एक्सिस पर। फाइंड एक्सीलरेशन, बताना एक्सीलरेशन, यहाँ से बताया जाए, यहाँ से बताइए, अगर यहाँ से बताना चाहते हैं तो लिखिए एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, 8 माइनस 2 बराबर 6, चेंज इन टाइम 10 माइनस 0 बटा 10 बराबर 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे कुछ नहीं करना है, सीधे पता है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताइए स्लोप कितना है ग्राफ का, तो बोल दीजिए टेन थीटा बराबर यहाँ से यहाँ हो गया 6, यहाँ से हो गया 10, ऐसे भी ऐसे बराबर 6/10। अब इसे बनाइए, इधर से बनाइए चाहे इधर से बनाइए, ग्राफ से बना लीजिए डायरेक्ट कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, बोले एक्सीलरेशन बताता है, निकाल दो स्लोप ग्राफ का, टेन थीटा निकाल दो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 6/10 ऐसे भी आएगी, या इसको लिख के बनाओ तो ऐसे कि शुरू में चाल 2 था, 10 सेकंड के बाद चाल कितना हो गया 8, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम बराबर एक्सीलरेशन। दूसरा, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बताइए 10 सेकेंड में, तो या तो ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल, जब ये का मान निकल गया तो लगा दीजिए बराबर यू टी प्लस आप टी स्क्वायर, या तो ऐसे लगाइए ना कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, भी लगा सकते हैं जो इच्छा जो लगा सकते हैं, किसे भी निकल जाएगा, 8 का स्क्वायर बोले 64, ये 2 का स्क्वायर बोले 4 और प्लस 2, ए का मान बोले 0.6, यहाँ एस, तो 64 में 4 गया तो 60, और 60 बटाए 1.2 बराबर एस, तो एस बराबर 12×5=60, 50 मीटर। ये क्या निकला हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट बोले चाहे डिस्टेंस बोले एक ही है, जब इधर ही जा ही रहा है तो डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो, या ऐसे करो तो ग्राफ के माध्यम से क्या बोलेंगे कि वी और टी के बीच जो ग्राफ खींचा हुआ है ना, वी और टी के बीच जो ग्राफ खींचा हुआ उसका एरिया क्या बता देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट,
इस कहानी में डिस्टेंस दोनों सेम ही होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ताकि वेलोसिटी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब बार बार बोल रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, सिर्फ जाने का ही बात हो रहा, आने का तो बात ही नहीं हो रहा। तो जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट, तो निकाल लो एरिया, फिर पैरेललोग्राम समझ की ट्रेपेजियम समझ के, समलंब चतुर्भुज, तो ई भुजा भुजा दो, आई वाला भुजा आठ, तो हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग, ई आठ आई दो दस, अगुने ऊंचाई दस, का सौ सौ बटे दो पचास मीटर। डिस्टेंस भी यही, डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन जीरो टू टेन सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन जीरो टू टेन सेकेंड। बात देखिए ना, जब सीधा चल ही रहा है तो जो बोले डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ग्राफ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन। एक फिगर है, फिगर क्या है, किधर एक्स लिखा हुआ है मीटर में, इधर टाइम लिखा हुआ है, मतलब एक पार्टिकल एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, टी बराबर जीरो पर ग्राफ ऐसे है, पहले ग्राफ खींच लेते हैं, सेवन पॉइंट फाइव 2.5 यहाँ जीरो हो जाएगा, और इस सामने 10 और यहाँ 15 ऐसा कुछ लिखा हुआ, और इस सामने 50 मीटर मीटर में है, और इस सामने 100 मीटर। मतलब क्या करा सवाल आपने समझिए कि एक पार्टिकल t बराबर जीरो पर कहाँ पर है, जीरो पर, अढ़ाई सेकेंड बीतते बीतते वो कितना दूर चला गया, बोले 50 मीटर चला गया, x एक्सिस पर जा रहा है, x का दिखाया हुआ है ना, t बराबर जीरो पर कहाँ खड़ा था, जीरो पर, अढ़ाई सेकेंड बीतते बीतते कितना दूर चला गया, बोले 50 मीटर, फिर 50 पर खड़ा रहा जब तक कि 7.5 सेकेंड ना हो गया, मैंने 5 सेकेंड यहाँ रेस्ट लिया, यहाँ पर 5 सेकेंड रेस्ट किया, 50 का 50 पर खड़ा है, हिल ही नहीं रहा 50 से, यहाँ रेस्ट किया पहले 5 सेकेंड, और फिर अढ़ाई सेकेंड में यहाँ, तो अढ़ाई सेकेंड में यहाँ पहुँचा, अब 5 सेकेंड यहाँ रेस्ट किया, तो 7.5 सेकेंड तो यहीं बीत गया, अब अढ़ाई सेकेंड के बाद फिर अढ़ाई सेकेंड चला, बीच में कितना चला, ये अढ़ाई सेकेंड चला, अढ़ाई सेकेंड में कितना चला, बोले 50 मीटर, और फिर 5 सेकेंड यहाँ क्या लिया, बोले रेस्ट, यहाँ 5 सेकेंड रेस्ट लिया, और फिर अढ़ाई सेकेंड चला, और कितना चला, फिर बोले फिर अढ़ाई सेकंड में चला, 50 से पहुंच गया 100 पर, बोले फिर चला 50 मिनट, ठीक। तो अब हो गया 10 सेकंड, अढ़ाई सेकंड यहाँ आया, अढ़ाई सेकंड 5 सेकंड रेस्ट लिया, 7.5 सेकंड, फिर अढ़ाई सेकंड, अब पहुंच गया कहाँ पर, 100 मीटर दूर। अब अगला 5 सेकंड होते होते फिर क्या हुआ, ये फिर लौट आया, ये चला, अब फिर अगला क्या किया कि 5 सेकेंड में ही लौट आया, कहाँ, 100 से जीरो पर, क्वेश्चन करा 100 से कहाँ चला है, फिर से जीरो पर, पहले अढ़ाई सेकेंड में कहाँ पहुँचा, 50 मीटर पर, फिर 5 सेकेंड रेस्ट लेगा, क्योंकि देखो ना 50 का 50 पर खड़ा है, ग्राफ ने ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे, 50 का 50 पर, तो रेस्ट लिया है ना 5 सेकेंड यहाँ, अब फिर अढ़ाई सेकेंड चला तो फिर पहुँच गया 50 से 100, अब फिर अगला 5 सेकेंड में ही लौट ही आया, कहाँ नहीं कुछ ऐसा है, ये 5 सेकंड में क्या हुआ, लौट आया, 100 से कहाँ चलाया, जीरो पर, कहानी क्लियर, क्वेश्चन में आई, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, बताओ कि 10 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो 10 सेकेंड में क्या हुआ, 10 सेकेंड में कहानी की था कि 10 सेकेंड, देखो ऐसे ध्यान से देखो ग्राफे से, कि 10 सेकेंड में कहाँ पहुँच जाए, बोले 100 पर, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी बराबर 100/10, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, बोले 10 मीटर पर सेकेंड आंसर हो, एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में बताओ वेलोसिटी का मान क्या है, तो 10 सेकेंड में कहाँ पहुँचा बाबू, 100 पर, देखें 100 मीटर चला कितना देरी में, 10 सेकेंड में, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, 10 मीटर पर सेकेंड,
पूछता कि 15 सेकंड में बताओ वेलोसिटी, तो जीरो बोलते कि 15 सेकंड में क्या आ गया था, 10 सेकंड में तो 100 मीटर गया, अगला 5 सेकंड में फिर लौट ही आया, तो गया और आया, तो कितना होता डिस्प्लेसमेंट, जीरो, वेलोसिटी का मान जीरो होता। अगर सवाल से पूछता कि 15 सेकंड में डिस्टेंस बताओ, तो 15 सेकंड में डिस्टेंस बोले 200, देखे ना 100 10 सेकंड में कहाँ पहुँच गया था, 100 पर, 100 गया ना 10 सेकंड में, और फिर अगला 5 सेकंड में 100 से कितना चला, जीरो पर आ गया, तो 100 गया भी 100 आया भी, तो डिस्टेंस बोलते 200। खैर सब जो हम बोल रहे हैं सवाल इसमें नहीं है, तो ग्राफ हम बता रहे हैं, सवाल यही था कि भाई वेलोसिटी बताइए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम 10 मीटर पर सेकंड होगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए 2, 5, 8 और 12 पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माने बोले 10 थीटा, 2 पर, 5 पर, बोले 8 पर और 12 पर। सेकेंड लिखा लें, 2 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर, 8 सेकेंड पर और 12 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, 2 इसमें आएगा, 2 इसके लिए आएगा ना, इसका सोलो बोलो, बोले 50/2 बराबर 20, जो भी मीटर पर सेकेंड, 5 यहाँ आएगा, इसका स्लो बोलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लो बराबर वेलोसिटी, स्लो बोलो जीरो, 8 सेकेंड में बताओ, 8 इसमें आएगा, तो जोड़ लो, ये हो गया 50, ये हो गया 2.5, 7.5 और 10 के बीच 2.5 50, फिर से 50/2 बराबर 20। 12 सेकेंड पर बोलो, 12 इसमें आएगा, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, बोले इधर से निकलेगा थीटा, इसका स्लोप बराबर ई वाला 10 थीटा होगा, इधर से 10 थीटा, तो ई थीटा का मान कितना होगा, 10 थीटा का मान यहाँ से निकालिए कि कितना होगा 10 थीटा का मान, ऐसे चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इधर से निकाल लो पहले, ये मान लो कि थीटा थी 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, बोले 100/5, देखना यहाँ 10 90 माइनस थीटा बराबर 100/5 मतलब 20, और 10 90 माइनस थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना आया, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो गया, यह देखिए यह नहीं 180 माइनस थीटा होगा, नहीं ये थीटा तो कितना होगा 180 माइनस थीटा, यानी कि 10 180 माइनस थीटा बराबर 20, और 10 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, बोले -10 थीटा बराबर 20, तो 10 थीटा बराबर बोले -20, ऐसी को तो बोलेंगे वेलोसिटी, तो आएगा -20 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हुआ कि 20 से लौट रहा है, वेलोसिटी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, देखिए डिक्रीज हो रहा था ना, सबसे जीरो पर आ रहा है ना, लौट रहा है ना, तो निकाला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने क्या होता है, 10 थीटा, अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स यहाँ क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच अगर कोई ग्राफ खींचना खींचा हुआ निकालना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या निकालेंगे, बोले स्लोप निकालेंगे। किस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या होगी आपका 9।